हेलो एंड वेलकम टू ओमेगा स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजी बोर्ड ओपन स्कूल कक्षा 12वीं भौतिकी का पूरा उत्तर। इस वीडियो में उत्तर क्रमांक 1 से लेकर के उत्तर क्रमांक 12 तक के प्रश्नों को अच्छे से लिख करके बताया गया है। यदि आपका रिस्पांस आता है, यदि आपको और वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि हमें और वीडियो चाहिए, तभी जा करके आगे के प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, वरना अपलोड नहीं किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्रमांक 1, जिसमें अपन को सही विकल्प बनाना है। तो देखिए, पहले सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण। दूसरा देखिए, आपका विमीय सूत्र पूछा गया था ऊर्जा का, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको वहां पर टिक करना है, उत्तर ब हो जाएगा। साथ में आपको एफआई यूनिट वाला प्रश्न पूछा था, तो आपका न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद आपका अधिकतम, ऐसे करके आपको ये सही विकल्प वाले प्रश्न जिसमें आपके पास 10 प्रश्न है, तो 10ों के 10ों प्रश्नों को अपन ने जो सही विकल्प है उसका बना करके यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो यहाँ से देख करके आप अपने आंसर शीट में कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपका सही विकल्प हो गया, प्रश्न क्रमांक 1 का अकम्प्लीट हो गया। अब चले देखते हैं ब। तो ये आपका ब है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, यानी खाली स्थान भरना है। पहले खाली स्थान में आपका आएगा ऊर्जा संरक्षण, दूसरे खाली स्थान में आपका आएगा अनंत, तीसरे खाली स्थान में आएगा आपका एन प्रकार का अर्धचालक, चौथे खाली स्थान में आपका आएगा न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की कमी या वृद्धि, और पांचवें में आएगा आपका संभारिक। अब चलिए देखते हैं उत्तर क्रमांक 2, जो कि आपका लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें आपको बताना है चाल और वेग में अंतर, तो यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं चाल और वेग में अंतर। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका उत्तर क्रमांक 3। उत्तर क्रमांक 3 में आपको पूछा गया था कि जो लाल टेंट की बत्ती होती है उसमें मिट्टी का तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, तो यहाँ पर उसका आंसर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं उत्तर क्रमांक 4, जिसमें आपको गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना था। तो यहाँ पर मैंने गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करके उसका एफआई मात्रक और सूत्र भी लिख दिया है। ये आपका 2 नंबर के लिए एकदम सफिशियंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर क्रमांक 5। उत्तर क्रमांक 5 में आपका एक आंकिक प्रश्न है, जिसमें 3 प्रतिरोध हैं 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के, उनको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको अपन को ज्ञात करना है। इस प्रकार से अपन उस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे, तो लास्ट में अपने पास जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा 1.052 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर क्रमांक 5 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी आता है पढ़ाई में डाउट, तो अभी फिर यूज कीजिए डाउट नट ऐप। इसमें आपको बस करना इतना है कि डाउट वाले क्वेश्चन को आपको फोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है, फिर सर्च कर देना है। फिर डाउट नट आपको प्रोवाइड करेगा एक बेस्ट सोल्यूशन, यानी कि उत्तर। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का स्टडी कर सकते हैं, साथ में अदर बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र का भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है क्लास 6 से 12 तक का रेगुलर क्लास, साथ ही आईआईटी, जेई, मेंस और एडवांस, साथ ही नीट का भी एकदम परफेक्ट क्लास। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं और आपका डाउट 100% क्लियर कराते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही और अभी से ही डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप टू क्लियर योर डाउट। चलिए देखते हैं उत्तर क्रमांक 6। तो ये है आपका उत्तर क्रमांक 6, जिसमें अपन को एंड गेट का चित्र बनाना था, साथ में एंड गेट का जो तर्क सारणी होता है ना, यानी फतता सारणी होता है, वो भी बनाना था। तो यहाँ पर मैंने एंड गेट बता दिया है कि क्या होता है, और साथ में उसका लॉजिक गेट भी बना दिया है, और जो पूछा गया था फतता सारणी उसको भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में लेट हुआ है, इसका मतलब ये वीडियो में जो भी आंसर बताया जा रहा है वो क्वालिटी के साथ बना हुआ है, तो यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं उत्तर क्रमांक 7। यह है आपका उत्तर क्रमांक 7, जिसमें अपन को बताना था इंटरनेट क्या है। तो यहाँ से आप इंटरनेट का परिभाषा और उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। साथ में जो इंटरनेट है उसको उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉमर्स हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, और ई मेल में करते हैं, तो ये सब अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 8 की ओर। उत्तर क्रमांक 8 में आपको 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करना था, मतलब परिभाषित करना था। फर्स्ट आपका प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरा है प्लास्टिक वस्तुएं, और तीसरा है भंगुर वस्तुएं। तो यहाँ पर मैंने तीनों का परिभाषा साथ में कुछ उदाहरण भी लिख दिया है,
जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न है, तो एक एक नंबर का तीनों प्रश्न है समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 9, जिसमें आपका धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर बताना था, तो यहाँ पे देखिए आप अंतर लिख सकते हैं, ये आपका पहला अंतर हो गया यहाँ पे, उसके बाद इसको आप देख लीजिए दूसरा अंतर हो गया, तीसरा अंतर हो गया, चौथा अंतर, तो आप 3 लिखेंगे तो भी एकदम सफिशियंट है, तो दी फेज कम सफिशियंट सोल्यूशन। चलिए देखते हैं उत्तर क्रमांक 10 है, अपन को उत्तर क्रमांक 10 में उस तापमान को बताना है जो कि आपका सेल्सियस पैमाना और जो फॉरेनहाइट पैमाना होता है उसमें समान होता है, तो अपन ने उसको एक्स मान के हल किए हैं। फाइनली अपना जो आंसर आएगा वहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप -40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तापमान पर जो दोनों पैमाने के जो तापमान होते हैं वो समान बताते हैं, तो यहाँ सब उत्तर लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर है। वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं उत्तर क्रमांक, देखिए ये था आपका उत्तर क्रमांक 10, तो ये है आपका उत्तर क्रमांक 11, आपको दिख रहा है उत्तर क्रमांक 9, तो उत्तर क्रमांक 9 मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है ना, तो ये है आपका उत्तर क्रमांक 10 सॉरी 11 ही है, जिसमें अपन को सरल आवर्ती गति की विशेषताएँ बतानी है। तो यहाँ पर मैंने 3 विशेषताएँ बता दी हैं जो कि आपका 3 नंबर के लिए एकदम सफिशियंट है, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आपका उत्तर क्रमांक 12, जो कि आपका ये भी 3 नंबर का ही प्रश्न है, जिसमें आपको किसी भी एक वैद्युत ध्रुव के निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपको मानना था वो मैंने लिख दिया है, साथ में ये डायग्राम बना दिया है वैद्युत ध्रुव का, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, फिर सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनली आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर आपको लिखते जाना है, तो फाइनली जो आपका विभव आएगा निरक्षी स्थिति में वो आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो निरक्षी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण जो विभव होता है वो होता है आपका 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। यदि आपको 13 से लेकर आगे तक के प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में, आंसर खोजने में और उसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, उस मेहनत के लिए आपको 1 लाइक बस करना है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नए वीडियो में।